हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ब्यूटीफुल प्रिंसेस ड्रेस बनाना सीखेंगे क्रिसमस के लिए। बहुत ही प्यारी फ्रॉक है, आज हम इसी फ्रॉक को बनाना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं एंड मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। एंड इसी वीडियो में फ्रेंड्स, मैंने 3 मंथ से लेकर 10 ईयर तक का पूरा साइज़ मेजरमेंट डिटेल से बताया है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे फ्रेंड्स। चलिए फिर स्टार्ट करते इस ब्यूटीफुल क्रिसमस स्पेशल प्रिंसेस ड्रेस को बनाना। इस फ्रॉक में हमारी रेड वुल लगी है 50 ग्राम, वाइट वुल लगी है 80 ग्राम एंड ग्रीन वुल लगी है 30 ग्राम। साइज़ के अकॉर्डिंग ही आप वुल लेंगे। बड़ी साइज़ की फ्रॉक बनाएंगे तो वुल आपको ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप बड़ी साइज़ के लिए ज़्यादा वुल ही लेंगे। तो फ्रॉक का चेस्ट है हमारा, देखिए 11 इंच, यहाँ से यहाँ तक है पूरा 11 इंच एंड स्ट्रेच होने के बाद 12 इंच कवर करेगा चेस्ट। एंड टोटल लेंथ है फ्रॉक की 22 इंच, 56 सेंटीमीटर। फ्रॉक की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ही लेंगे, थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे बहुत ही प्यारा लुक आएगा फ्रॉक का। इस फ्रॉक को बनाने के लिए हमने वर्धमान 2 प्लाईवुल का यूज़ किया है एंड हुक नंबर लिया है 3.0 mm। सबसे पहले हमें नॉट लगानी है, चेन बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे हमें 60 चेन बनानी है। तो यहाँ पे हमने 60 चेन बनाई। तो हम 1 से 3 ईयर बेबी गर्ल का साइज़ है बनाएंगे, फ्रॉक को बनाएंगे। 60 चेन बनाई, अब हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन, 1, 2, 3, 3 चेन बनाई हमने। तो 3 to 6 मंथ, 0 से 6 मंथ बेबी गर्ल के लिए बनाना है, न्यूबॉर्न बेबी से लेके आपको 6 मंथ तक का साइज़ आएगा। तो 52 + 3 चेन बनाना है। चेन ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने बनाई अभी, सेम यहाँ पे भी हमें 3 to 5 ईयर बेबी गर्ल के लिए बनाना है, तो 68 + 3 चेन बनानी है। 5 to 7 ईयर बेबी गर्ल के लिए बनाना है तो आपको 74 + 3 चेन बनाना है। एंड 7 to 10 ईयर बेबी गर्ल के लिए बनाना है तो यहाँ पे थोड़ा हमारा हुक नंबर चेंज है, 82 + 3 चेन बनानी है। वुल आपको सेम लेना है, 2 प्लाई वुल ही लेना है, बट हुक नंबर लेंगे आप, जब आप 7 to 10 ईयर बेबी गर्ल के लिए बनाएंगे हुक नंबर लेंगे 3.5 mm। यहाँ पे हमारा हुक नंबर ओनली चेंज है। अब हमने बनाई 60 + 3 चेन बनाई, यहाँ पे हमने सेम ऐसे ही हमें बनाना है सभी में, जिस भी साइज का बनाना है। 1, 2, 3 चेन स्किप करके 4 चेन में हमें लेना है डबल क्रोशिया बनाना है 1। तो यहाँ पे 3 चेन भी काउंट करेंगे तो 1, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हमें पहले 8 डबल क्रोशिया बनाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो यहाँ पे हमने 8 डबल क्रोशिया बनाए।
वन थ्री चैन भी काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डबल क्रोशिया बनाया हमने। अब ये कॉर्नर की स्टिच है, तो वन कॉर्नर के लिए तो सभी में हमें जैसे बनाएंगे वैसे सभी में ही हमें बनाना है। तो 8 फिर हम अब कॉर्नर की स्टिच बनाएंगे, तो अब हमें कॉर्नर बनाना है। कॉर्नर के लिए नेक्स्ट स्टिच है, कॉर्नर बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 चैन एंड 1 डबल क्रोशिया। आप मार्कर भी लगा सकते हैं। अब ये कॉर्नर बनाया तो हमारा फर्स्ट कॉर्नर रेडी हो गया। अब हम 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो नेक्स्ट स्टिच से काउंट करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। देखिए तो 12 डबल क्रोशिया बनाए हमने। अब हम फिर से कॉर्नर बनाएंगे, कॉर्नर की स्टिच है नेक्स्ट, कॉर्नर बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, 2 चैन एंड 1 डबल क्रोशिया। तो हमारा सेकंड कॉर्नर बनकर रेडी हो गया 1 एंड 2। अब हम 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेम हमें सभी में भी ऐसे ही डिवाइड कर करके बनाना जैसे अभी बनाएंगे सेम स्टेप सभी में है। तो 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट स्टिच से काउंट करेंगे 16 तो यहाँ पे हमने 16 डबल क्रोशिया बनाया। अब हम कॉर्नर बनाएंगे, कॉर्नर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चैन एंड सेम स्टिच में लेंगे 1 डबल क्रोशिया। देखिए तो हमारे 3 कॉर्नर बने, 1 2 3। अब हम कॉर्नर के बाद फिर से हमें 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। काउंटिंग नेक्स्ट स्टिच से स्टार्ट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन 11 एंड 12। तो यहाँ पे हमने 12 डबल क्रोशिया बनाया। अब हम बनाएंगे कॉर्नर, उसके बाद 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच कॉर्नर बनाएंगे, 2 चैन
सेम स्टिच में ही कॉर्नर बनाएंगे। अब हमें कॉर्नर काउंट नहीं करना है, नेक्स्ट स्टिच से बनाएंगे। डबल क्रोशे लेंगे, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन एंड एट। ये देखिए तो हमारा ये पूरा कंप्लीट हुआ। एट डबल क्रोशिया कॉर्नर, ट्वेल्व डबल क्रोशेट कॉर्नर, सिक्सटीन डबल क्रोशेट कॉर्नर, ट्वेल्व डबल क्रोशेट कॉर्नर एंड एट डबल क्रोशेट। ये पूरे कॉर्नर हमने बना के कंप्लीट किए। सेम हमने जैसे अभी इसमें बनाया है, सभी में हमें बनाने हैं। अब नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे बनाना। वन चैन, सेम स्टिच में ही लेना है डबल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच डबल क्रोशिया लेंगे, हर एक स्टिच में वन वन डबल क्रोशिया लेते हुए कॉर्नर तक आएंगे। तो देखिए हर एक स्टिच में वन वन डबल क्रोशिया बनाते हुए कॉर्नर तक आ गए। अब कॉर्नर में बनाना है हमें, डबल क्रोशिया लेंगे, वन, टू, टू चैन और सेम स्टिच में ही लेना है वन डबल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच लेंगे, डबल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट स्टिच डबल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट स्टिच डबल क्रोशिया लेंगे, बनाते हुए नेक्स्ट कॉर्नर तक आएंगे। तो ये कॉर्नर तक आ गए बनाते हुए। अब ये कॉर्नर की स्टिच है, यहाँ पे डबल क्रोशिया लेंगे, टू चैन स्पेस, डबल क्रोशिया लेंगे, वन, टू चैन, सेम स्टिच में वन डबल क्रोशिया लेंगे। नेक्स्ट स्टिच लेंगे डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच डबल क्रोशिया, नेक्स्ट डबल क्रोशिया लेंगे, हर एक स्टिच में वन वन डबल क्रोशिया बनाते हुए कॉर्नर तक आएंगे। तो एक कॉर्नर तक आ गए हम बनाते हुए। अब ये कॉर्नर की स्टिच है, डबल क्रोशिया बनाएंगे, टू चैन स्पेस, वन डबल क्रोशिया लेंगे, टू चैन एंड वन डबल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच डबल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट स्टिच डबल क्रोशिया लेंगे। सेम बनाते हुए ये भी कॉर्नर कंप्लीट करेंगे और यहाँ तक आएंगे। तो सभी कॉर्नर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए सभी कॉर्नर हमने कंप्लीट किए। अब लास्ट की स्टिच है, थ्री चैन है, यहाँ पे थर्ड चैन में हमें डबल क्रोशिया लेना है। वन चैन, वर्क बटन किया हमने, सेम स्टिच में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। नेक्स्ट स्टिच डबल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच डबल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट स्टिच डबल क्रोशिया लेंगे, हर एक स्टिच में वन वन डबल क्रोशिया बनाते हुए कॉर्नर तक आना है हमें। कॉर्नर, कॉर्नर में बनाएंगे वन डबल क्रोशिया, टू चैन एंड वन डबल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच वन डबल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट वन डबल क्रोशिया लेंगे। तो हमारी थर्ड रो बनना स्टार्ट हो गई है, वन टू थ्री। ये पूरी रो बना के सेम कंप्लीट करना है, जैसे हमने अभी सेकेंड रो बनाई वैसे हमें थर्ड रो भी बना के पूरी कंप्लीट करना है। हमने थ्री रो बना के कंप्लीट की, वन टू थ्री राउंड बना के पूरे कंप्लीट किए। फाइव राउंड तक बना के कंप्लीट करना है। फाइव राउंड बनाने के बाद हमारा कॉर्नर में जो यहाँ पे हमने टू चैन बनाया है, तो वन चैन बनाएंगे कॉर्नर में। वन डबल क्रोशिया, वन चैन, वन डबल क्रोशिया, वन डबल क्रोशिया, वन चैन, वन डबल क्रोशिया। अभी हमने टू चैन बनाए कॉर्नर में, फाइव राउंड के बाद हमारे कॉर्नर में वन चैन बनेगा, इतना ध्यान रखना है। तो ये पूरा बनाते हुए फाइव रो तक कंप्लीट करेंगे। तो वन टू थ्री फोर एंड फाइव रो तक कंप्लीट करेंगे। टोटल फाइव राउंड बना के कंप्लीट किया, वन टू थ्री फोर फाइव। लास्ट स्टिच है, वन डबल क्रोशिया लेंगे,
अब यहाँ से सीधा करते हुए हमें जॉइन करना है। तो ये जो स्टिच है यहाँ से थर्ड चैन में जॉइन लेंगे स्लिप स्टिच से। थ्री चैन नेक्स्ट स्टिच लेंगे वन डबल क्रोशिया। हर एक स्टिच में वन वन डबल क्रोशिया बनाते हुए कॉर्नर तक आएंगे। तो कॉर्नर तक आ गए हम, कॉर्नर में बनाएंगे वन डबल क्रोशिया, वन चैन सेम स्टिच में ही लेना है वन डबल क्रोशिया। नेक्स्ट स्टिच डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक स्टिच में वन वन डबल क्रोशिया बनाते हुए कॉर्नर में आएंगे, कॉर्नर में वन डबल क्रोशिया वन चैन वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम कॉर्नर में आएंगे सेम बनाते हुए पूरा यहाँ तक आके कंप्लीट करेंगे। तो पूरा राउंड हमने सेम बनाते हुए कंप्लीट किया। अब यहाँ पे जो थ्री चैन है वन टू थ्री, थर्ड चैन से हमें जॉइन लेना है स्लिप स्टिच से थ्री चैन। नेक्स्ट स्टिच लेंगे डबल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशिया लेंगे। सेम हमें फिर से राउंड बना के कंप्लीट करना है, सेम कॉर्नर बनाने हैं। तो जितनी चेस्ट के अकॉर्डिंग हमें जितनी लेंथ लेनी है पहले हम बना के कंप्लीट करेंगे। तो टोटल 12 राउंड बना के हमने कंप्लीट किए। थ्री चैन नेक्स्ट स्टिच लेना है डबल क्रोशिया, नेक्स्ट डबल क्रोशिया लेंगे। हर एक स्टिच में वन वन डबल क्रोशिया बनाते हुए अभी जो फर्स्ट कॉर्नर है यहाँ तक आना है। तो देखिए फर्स्ट कॉर्नर है, डबल क्रोशिया बनाएंगे वन टू थ्री चैन, थ्री चैन लेते हुए सेकेंड कॉर्नर तक आएंगे और यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनानी है। सेकेंड कॉर्नर है, डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारी फर्स्ट स्लिप ज्वाइन हो गई। देखिए हमारी फर्स्ट स्लिप ज्वाइन हो गई। अब कंटिन्यू हर एक स्टिच में वन वन डबल क्रोशिया बनाते हुए नेक्स्ट कॉर्नर तक आएंगे। कॉर्नर तक आएंगे, ये कॉर्नर में आ गए। कॉर्नर में हमें डबल क्रोशिया बनानी वन थ्री चैन। अब हम नेक्स्ट कॉर्नर ज्वाइन करेंगे, डबल क्रोशिया लेंगे। देखिए हमारी सेकेंड स्लिप्स भी ज्वाइन हो गई। नेक्स्ट स्टिच डबल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच डबल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट स्टिच डबल क्रोशिया। हर एक स्टिच में वन वन डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आएंगे। यहाँ तक आ गए बनाते हैं, ज्वाइन लेंगे स्लिप स्टिच से थर्ड चैन से थ्री चैन, नेक्स्ट स्टिच डबल क्रोशिया। हर एक स्टिच में वन वन डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आएंगे। तो डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पे हमारी थ्री चैन है तो थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे वन टू थ्री, डबल क्रोशिया बनाएंगे हर एक स्टिच में। डबल क्रोशिया बनाते हुए हर एक स्टिच में सेकेंड स्लिप तक आएंगे, यहाँ तक आएंगे। ठीक है यहाँ तक आ गए, थ्री डबल क्रोशिया बनाएंगे, थ्री चैन है तो यहाँ पे वन टू थ्री, नेक्स्ट स्टिच डबल क्रोशिया। हर एक स्टिच में वन वन डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आएंगे।
यहाँ तक आकर बनाते हुए यहाँ पे जॉइन लेंगे स्लिप स्टिच से। थ्री चैन, नेक्स्ट स्टिच डबल क्रोशिया लेंगे, हर एक स्टिच में वन वन डबल क्रोशिया बनाते हुए आएंगे, देखिए ऐसे। तो ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे, राउंड कंप्लीट करेंगे तो देखिए हमारी स्लिप जॉइन हो गई। तो ऐसे ही हमें राउंड बनाते हुए 6 राउंड कंप्लीट किए। तो हमने स्लिप जॉइन करने के बाद ये देखिए यहाँ से टोटल 1 2 3 4 5 6 राउंड कंप्लीट किए। अब हमारी यहाँ से स्टार्टिंग से और यहाँ तक की पूरी रो है 19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 and 19। अब ये हम डॉल बनाएंगे। तो फ्रेंड्स इस डॉल को बनाने के लिए हमने सेम 2-ply वूल का ही यूज़ किया है, कलर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो मैंने ये वाइट, ग्रे एंड ये स्काई ब्लू कलर से बनाया है। तो 2-ply वूल है, सेम वूल है और हुक नंबर भी हमने सेम ही लिया है, 3.0 mm। तो अब हम डॉल बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वाइट कलर से बनाएंगे, मैजिक रिंग बनाएंगे। नीचे डबल क्रोशिया लेंगे 1, ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हैं, 1 और 2। 5 चैन, 1 2 3 4 5। अब इसी रिंग में हमें बनाना है डबल क्रोशिया लेंगे 1 2। 5 चैन, 2 डबल क्रोशिया, 1 and 2। पाइप चैन, 2 डबल क्रोशिया लेंगे, 1 2। पाइप चैन, 2 डबल क्रोशिया लेंगे। वन टू थ्री फोर, 4 पेटल बनकर रेडी हो गई। अब हम बनाएंगे 5 चैन। 5 चैन बनाने के बाद टाइटली क्लोज करेंगे यहाँ से। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच लेंगे, यहाँ पे हमारी 5 पेटल्स बनकर रेडी होगी, 1 2 3 4 5। 2 चैन, अब ये जो 5 चैन स्पेस है इसमें हमें डबल क्रोशिया बनानी है 1। 2 चैन भी काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे हमने 8 डबल क्रोशिया बनाए, 2 चैन। अब यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच लेना, 2 चैन डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। 2 चैन स्लिप स्टिच, 2 चैन, 5 चैन स्पेस में हमें 8 डबल क्रोशिया बनानी है। ये पूरी पेटल्स बना के हमें कंप्लीट करना है। तो देखिए हमने टोटल 5 पेटल्स बना के कंप्लीट की, 2 चैन। अब यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच लेना है,
फूल को कट कर देंगे। तो ये फ्लावर बन गया। यहाँ से हमें टाइटली क्लोज करना है। अब दूसरे कलर से बनाएंगे। देख यहाँ से हमें ज्वाइन करना है, 1 2 3 चैन। 3 चैन ली हमने। 3 चैन लेने के बाद नेक्स्ट स्टिच में लेंगे, डबल क्रोशिया लेंगे, 1 नेक्स्ट 2 3 टोटल हमें 7 डबल क्रोशिया लेंगे। तो 1 2 3 4 3 चैन भी काउंट करेंगे तो हमारी 4 डबल क्रोशिया हो गए, 5 6 एंड 7। यहाँ पे हमने 7 डबल क्रोशिया बनाए। नेक्स्ट स्टिच, अब जो ये नेक्स्ट पैटर्न है इसमें भी हमें 7 डबल क्रोशिया बनानी है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अभी जो नेक्स्ट पैटर्न है इसमें भी हमें 7 डबल क्रोशिया बनानी है। ये स्किप करेंगे, यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल 21 डबल क्रोशिया बनकर रेडी हुई है। 3 चैन एंड 1 चैन स्पेस के लिए, तो टोटल हमने यहाँ पे 4 चैन बनाई है। वर्क को टर्न करेंगे। अब जो नेक्स्ट स्टिच है इसमें लेंगे डबल क्रोशिया, लेंगे 1 चैन, नेक्स्ट स्टिच डबल क्रोशिया लेंगे, 1 चैन नेक्स्ट डबल क्रोशिया लेंगे, 1 चैन नेक्स्ट स्टिच डबल क्रोशिया लेंगे। सेम बनाते हुए पूरा यहाँ तक आएंगे। देखिए यहाँ तक बनाते हुए आ गए 1 चैन। अब यहाँ पे 3 चैन लास्ट स्टिच ध्यान देना है। यहाँ पे भी हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है थर्ड चैन में। यहाँ से उनको कट कर देंगे। उनको कट किया। अब यहाँ से दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे। आप कलर अपने मनपसंद का लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हमें काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये जो 9 स्टिच है इसमें हमें मार्कर लगाना है। यहाँ से कलर चेंज करेंगे, थोड़ा सा लाइट शेड लेंगे। ये वाइट है, ये ग्रे शेड है एंड ये हल्का आसमानी कलर है, स्काई ब्लू है। वन टू थ्री चैन। अब ये वन चैन स्पेस है, ये हमारा 1 डबल क्रोशिया 1 चैन स्पेस में बनाएंगे। डबल क्रोशिया लेंगे 1 और ये 2। अब नेक्स्ट स्टिच हमारी डबल क्रोशिया है, इसमें हमें डबल क्रोशिया बनानी है 1। नेक्स्ट स्टिच डबल क्रोशिया 2 लेंगे, 1 चैन स्पेस में 2 डबल क्रोशिया लेंगे, 1 एंड 2। नेक्स्ट स्टिच डबल क्रोशिया लेंगे,
अब वन चैन स्पेस है, यहाँ पे हमें टू डबल क्रोशिया लेनी है। डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया लेंगे, ऐसे ही बनाते हुए हमें मार्कर तक आना है। तो ये बनाते हुए पूरा मार्कर तक आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें बनाना है वन डबल क्रोशिया। अब फिर से इसी पॉइंट में हमें मार्कर लगाना है। अब यहाँ से ध्यान देना है, अब नेक्स्ट वन चैन स्पेस है, वन डबल क्रोशिया लेंगे। नेक्स्ट डबल क्रोशिया है, डबल क्रोशिया लेंगे। नेक्स्ट वन चैन स्पेस, वन डबल क्रोशिया, और नेक्स्ट डबल क्रोशिया लेंगे। नेक्स्ट वन चैन स्पेस, डबल क्रोशिया, एंड डबल क्रोशिया के ऊपर हमें डबल क्रोशिया लेना है। पूरा बनाते हुए यहीं तक आएंगे, तो लास्ट तक बनाते हुए आ गए। अब यहाँ पे हमें बनाना है, ध्यान देना है, थ्री चैन है, यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। थर्ड चैन में वन चैन, वर्क रिटर्न किया हमने, सेम स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनानी है। सेवन चैन लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन चैन थे हमने, सेवन चैन बनाई। सेवन चैन बनाने के बाद यही से स्टिच काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन स्टिच स्किप करके नेक्स्ट स्टिच है जो, इसमें हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर से हमें सेवन चैन लेनी है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अब यहाँ से काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अभी जो मार्कर है यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। वन चैन लेते हुए उल को कट कर देंगे यहीं से। साइड है फ्लावर देख के ही हमें वूल को ज्वाइन करना है, तो राइट साइड से हम वूल को ज्वाइन करेंगे और बैक साइड से हमें सभी वूल कट कर देना है नॉट लगाते हुए। राइट साइड है, अब यहाँ से हमें वूल को ज्वाइन करना है वाइट कलर से। वाइट कलर से बनाएंगे, ठीक है। अब जो ये सेवन चैन स्पेस है इसमें हमें टेन डबल क्रोशिया बनानी है, थ्री चैन, इसके बाद हम टेन डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और ये टेन। यहाँ पे हमने टेन डबल क्रोशिया बनाए, सेवन चैन स्पेस पे टेन डबल क्रोशिया बनाए। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया है, डबल क्रोशिया लेंगे, वन अब वन एंड टू डबल क्रोशिया लेंगे। यहाँ फिर से हम यहाँ पे टेन डबल क्रोशिया बनाएंगे सेवन चैन स्पेस में, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। अब लास्ट यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से यहाँ तक हमने डबल क्रोशिया बनाए, तो टोटल 24 डबल क्रोशिया हमारे यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक बनकर रेडी हुए हैं। थ्री चैन वर्क को टर्न किया, नेक्स्ट स्टिच लेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, तो हर एक स्टिच में डबल क्रोशिया बनेंगे, टोटल 24 डबल क्रोशिया बनेंगे यहाँ से यहाँ तक।
तो टोटल 24 डबल क्रोशिया बनाया हमने, 3 चैन वर्क को टर्न करेंगे, 3 चैन हमारा 1 डबल क्रोशिया, 1 चैन स्पेस के लिए। अब हर एक स्टिच में हमें ये 1 चैन बना, 4 चैन बनाया हमने, अब बनाएंगे डबल क्रोशिया, लेंगे 1 चैन, नेक्स्ट स्टिच 1 डबल क्रोशिया, 1 चैन, नेक्स्ट स्टिच 1 डबल क्रोशिया, 1 चैन, नेक्स्ट 1 डबल क्रोशिया, 1 चैन, नेक्स्ट 1 डबल क्रोशिया, 1 चैन, नेक्स्ट स्टिच 1 डबल क्रोशिया, सॉरी नेक्स्ट स्टिच 1 डबल क्रोशिया। तो हर एक स्टिच में 1 चैन लेते हुए 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिए पूरा यहाँ तक बनाते हुए आ गए। अब यहाँ पे लास्ट स्टिच है 1 चैन, यहाँ पे हमें लेना है डबल क्रोशिया। उल को कट कर देंगे, उल कट किया हमने। अब यहाँ से काउंट करेंगे इस साइड से, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। यहाँ पे मार्कर लगाया, अब यहीं से हमें उल को ज्वाइन करना है। इस साइड से भी काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब हमें यहाँ पे वर्क करना है। वन टू थ्री चार, नेक्स्ट डबल क्रोशिया है, इसमें हमें लेना है डबल क्रोशिया, नेक्स्ट अब यहाँ पे 1 चैन स्पेस, ये वाला 1 चैन स्पेस हमें जो फर्स्ट 1 चैन स्पेस से ज्वाइन करने के बाद स्किप किया, एंड डबल क्रोशिया में हमने डबल क्रोशिया बनाया। अब नेक्स्ट 1 चैन स्पेस से डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट 1 चैन स्पेस, डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चैन स्पेस, डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट स्टिच है डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चैन स्पेस, डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चैन स्पेस, डबल क्रोशिया बनाएंगे। पूरा बनाते हुए सेम मार्कर तक आएंगे, तो टोटल यहां से यहां तक हमारी 17 स्टिच होंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड देखिए यहाँ पे एक चैन स्किप करना है 1 चैन स्पेस, एंड डबल क्रोशिया में हमें डबल क्रोशिया बनाना है जहाँ पे मार्कर लगा है। जैसे हमने इस साइड बनाया, यहाँ पे भी 1 चैन स्किप किया था और यहाँ पे भी किया, तो टोटल हमारी 17 स्टिच है। 17 मार्कर निकाल देंगे, 3 चैन वर्क को टर्न किया। अब हम नेक्स्ट स्टिच में, अभी 17 स्टिच हैं, 17 स्टिच ही बनाएंगे, हर एक स्टिच में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
ये लास्ट स्टिच है, यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, थ्री चैन वर्क को टर्न किया। अब हम फिर से कंटिन्यू 17 स्टिच बनाएंगे, तो हर एक स्टिच में 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करें। लास्ट स्टिच है, थ्री चैन है, थर्ड चैन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ से यहाँ तक हमने हर एक स्टिच में 1 डबल क्रोशिया बना के टोटल 17 डबल क्रोशिया बनाया। अब हमें बनाना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चैन बनाई हमने। 10 चैन बनाने के बाद अब यहाँ से हमें स्किप 1 स्टिच करना है, नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनानी है। टू चैन स्किप 1 स्टिच, नेक्स्ट स्टिच सिंगल क्रोशिया। अब इस साइड से हमारे 1, 2, 3 डबल क्रोशिया बचे हुए हैं। अभी देखिए ये हमारा 1 डबल क्रोशिया है। अब इस साइड से वर्क को टर्न करेंगे। अब जो ये 10 चैन स्पेस है इसमें हमें टोटल 15 डबल क्रोशिया बनानी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यहाँ पे हमने 15 डबल क्रोशिया बनाया। अब ये डबल क्रोशिया है तो हर एक स्टिच में हमें 1 डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए डबल क्रोशिया बनाते यहाँ तक आ गए। अब ये हमारी लास्ट स्टिच है डबल क्रोशिया की, यहाँ पे थ्री चैन, यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया लेना है। थर्ड चैन में 1, 2, 3 सिंगल क्रोशिया लेना है। 10 चैन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चैन लेने के बाद अब यहाँ पे हमें स्किप 1 स्टिच है, ये डबल क्रोशिया, यहाँ पे स्किप 1 स्टिच करना है, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनानी है। टू चैन के बाद स्किप 1 स्टिच, नेक्स्ट स्टिच सिंगल क्रोशिया। वर्क को टर्न करेंगे। अब यहाँ पे हमें 10 चैन स्पेस है, टोटल 15 डबल क्रोशिया बनानी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15 15 डबल क्रोशिया बनाए हमने। अब ये थ्री चैन है, 1, 2, 3 थर्ड चैन में हमें लेना है सिंगल क्रोशिया। यहाँ पे हमने ज्वाइन किया स्लिप स्टिच से, यहाँ तक बनाते हुए कंप्लीट किया। 1 चैन लेते हुए वूल को कट कर देंगे।
तुम्हारी डॉल बनकर रेडी हो गई।